हमारे पास एक नया मरीज है जी। बताए क्या मसला है आपका? वाजी गुद्दे जीवन भी काफी का रहे बाकी तो आप लोगों ने मेरे सारे बैच फेलो से मिला हुआ है। एक मेरे जो है ना बैच में डॉक्टर आए हैं न्यू, अब मैं मिलवाऊंगी आपको उनसे। और गेस करें उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद बिलाल। एक डॉक्टर मोहम्मद बिलाल को आप पहले जानते हैं, अब मैं आपको दूसरे डॉक्टर मोहम्मद बिलाल से मिलवा रही हूं। इतना ठूस ठूस के खाती है और फिर कहती है मेरा वेट बढ़ गया। हेलो इश्का, अब आ गई है इसलिए कैमरे में तूने मेरी सारी इसलिए दिखा दी मैं सारे। ये मैं जीत के घर आई थी और जीत ने चाय पिलाई। हेलो जुनेद, क्या हाल है? ठीक हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है सब लोगों का? ठीक हो? व्लॉग नहीं बन पा रहा, नहीं हो रही रेगुलर। आज मैंने ठान ली है रोज़ व्लॉग बनेगा, कुछ भी हो रोज़ व्लॉग बनेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रोडक्टिव लेके आऊँ, यानी कुछ ऐसा कि जो मैं सीखूँ और आप लोगों को बताऊँ और जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। लेकिन ऐसा होगा क्या? चलो देखते हैं, अभी तो स्टार्ट किया है और आज अभी तो मेरे राउंड्स हैं। राउंड मेरा पिज्जा ने तो राउंड कर लिया है, राउंड ऑर्डर्स भी मैंने पूरे कर लिए हैं, सैम्पलिंग वगैरह भी मैंने कर ली है बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे जल्दी है घर जाने की, क्योंकि आज मेरी नाइट भी है। तो अभी हम लोग करेंगे, अभी सर का वेट कर रही हूँ जो हमारे कंसल्टेंट राउंड करेंगे, उनका वो आएंगे, वो राउंड करेंगे और उसके बाद फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे जो भी हुआ, ठीक है। और आप लोग बताओ ना मुझे, अब मेरी हाउस जॉब चल रही है, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग हाउस जॉब के बारे में क्या क्या जानना चाहते हो, और अगर हेल्थ रिलेटेड भी कुछ है तो वो भी आप लोग मुझे पूछ सकते हो, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। मुझे गाइड किया करो यार, आप लोग भी बताया करो, फिर ही तो पता चलता है कि आप लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। नहीं और हमारे वार्ड से सुईद फातिमा शिफ्ट हो गई हैं, वो नीचे पीट्स वन में चली गई हैं, पीट्स वन में अब चली गई हैं। वो होता है ना एक फैमिली में दो फ्लोर पर लोग रहते होते हैं, वैसे ही हुआ है, वो फ्लोर वन पर चली गई, मैं फ्लोर टू पर आ गई हूँ, मैं वैसे भी टू पर थी। तो अभी वहाँ पर काशिफ भी है, जहीद भी, हम उनको जाएंगे मिलने, वैसे मैं फ्री हूँ जाते हैं, ठीक है, हम उनको मिलने जाते हैं और फिर मैं आपके उन आपसे उनकी मुलाकात करवाती हूँ, ठीक है जी। चले चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं जहीद फातिमा और काशिफ के वार्ड में, आप उनका वार्ड दिखाती हूँ। यहाँ ऊपर वो सामने मेरा वार्ड है और सामने नीचे इनका वार्ड है। यार वार्ड तो प्यारा बना हुआ है इनका, बेस बनी हुई है। डॉक्टर जहीद फातिमा आपके पीठ में प्यारे प्यारे बच्चों का इलाज करते हुए। अच्छा आपको सेपरेट काउंटर मिला हुआ है, ये कोई बात होती है? वेरी मच, वेर इज काशिफ? डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, बच्चों का इलाज कर रहे हैं। मैं खास तौर पर आपको जीत को मिलने आई हूँ, अचानक आना ना ज़्यादा खुशी होती है, पता आपको? लेकिन होती है, लेकिन अगर आप खाली पेट या खाली हाथ चले जाएंगे तो मुझे अच्छा। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊँगी, आप बिधर गए ना, आपने दोबारा नहीं होनी चाहिए। और सुनाओ कैसा जा रहा है आपका वक्त? अच्छा जा रहा है, चल जहीद भी आई है इस वार्ड में। नहीं नहीं, अब मुझे लगता है पीजीआर से डर रही है। खैर देख, बंदा नया नया कहीं जाता है ना तो वहाँ के लोगों का नहीं पता होता, बंदा कंफ्यूज भी होता है, बंदा हेजिटेट भी करता है कि पता नहीं अगले लोग कैसे हैं। मेरे वार्ड में तो बड़े ही रश है, इनके वार्ड में तो सुकून था। मेरे वार्ड का हाल अभी भी आपको दिखाती हूँ। भाई रास्ता दे, अच्छा जी। बाकी तो आप लोगों ने मेरे सारे बैच फेलो से मिला हुआ है। एक मेरे जो है ना बैच में डॉक्टर आए हैं न्यू, अब मैं मिलवाऊंगी आपको उनसे। और गेस्ट करण का नाम क्या है?
उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद बिलाल। एक डॉक्टर मोहम्मद बिलाल को आप पहले जानते हैं, अब मैं आपको दूसरे डॉक्टर मोहम्मद बिलाल से मिलवाने देंगे। वेलकम टू माई व्लॉग डॉक्टर बिलाल, क्या हाल है आपका? ठीक है? आपको मेरे बैच में कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कंपनी अच्छी है हमारी? बहुत अच्छी। सही है। इस बे में सर उस्मान राउंड कर रहे हैं, ये बे सदा से सर उस्मान की मिल्कियत है। कुछ दिन पहले ही मेरी बे हुआ करती थी। ये हमारा काउंटर है और स्पीड्स वार्ड का कितना अच्छा काउंटर था। डॉक्टर फिजा से हेलो। हाय, हाउ आर गाइस? गाइस ठीक होने हैं? बिल्कुल गाइस को मेरे को करवानी है। तेरे आस पास रहूं मिल भी। आई नो आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ ह्यूमन एज वेल। बिल्कुल। अच्छा जी, तो आज की प्रोडक्टिव चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ऐसे प्रोडक्टिव तो नहीं है, उन लोगों के लिए प्रोडक्टिव है जो भी हाउस जॉब करेंगे या भी जो वहाँ पे है ना। आप लोगों के लिए दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, जो भी कर रहे हैं ना विश्कीक से या कहीं से भी आप लोग MBBS कर रहे हो, आप लोग बेड साइड बुक मंगवा लो पाकिस्तान से और उसको पढ़ते रहो, ठीक है? आपके हाउस जॉब में बहुत काम आएगी, वैसे भी आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स में काम आएगी, जिनके प्रॉफ होते हैं जैसे हमारा गोस प्री गोस होता है उसमें बहुत काम आएगी। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक बुक इम्पॉर्टेंट है, वो है ये डॉक्टर ऑन ड्यूटी। क्या होता है ना कि आप लोगों को, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है सारा, लेकिन इसके अंदर सारे केसेस हैं, OPD बेसिस वाले केसेस, एमरजेंसी केसेस, उन सब की ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, उसकी क्या इटियोलॉजी, सिम्टम्स, हर चीज़ इसके अंदर है। छोटी सी बुक है और ना इसका ये कि इसमें पाकिस्तानी ब्रांड्स भी लिखे हुए हैं मेडिसिन के ना। एक तो होता है फार्मूला लिखा हुआ होता है ना, लेकिन आपको उसके ब्रांड्स का नहीं पता चल रहा होता, आप इससे अच्छी तरीके से कर सकते हो, तो ये ले लेना, काम आएगी, शुक्रिया अदा करोगे मेरा, ठीक है जी। देखिए अगर मैं इसका आपको ओवरव्यू दूँ तो इसमें सबसे पहले आपको हिस्ट्री टेकिंग भी बताई हुई है, उसके बाद सिम्टम्स और क्वेश्चंस किस तरह से आपने उनसे करने हैं, प्रोसीजर सारे बताए हुए हैं जो जो काम आते हैं हाउस जॉब में, ठीक है? और उसके बाद आप इसको या तो करना नहीं होता, बस पढ़ना ही होता है आप लोगों, ताकि आपकी ना अच्छे तरीके से एक ग्रिप बन जाए ना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे अब आप मोस्टली केसेस जो आ रहे होते हैं ना वो गैस्ट्रो के यहाँ पर मेडिसिन में आ रहे होते हैं, गैस्ट्रो के, हार्ट फेलियर के, इस तरह से। तो अब जैसे ये पॉइजनिंग वाले बहुत सारे केसेस आते हैं, उसमें भी पॉइजनिंग के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है? और उसके अलावा गायनी का भी सारा बताया, जनरल सर्जरी का भी है, सारी इसमें जो है ना वो बताई भी होती हैं। और आजकल मेरी भी है ये वाली, ये मेरे सारे PGRs खड़े हैं जिनके साथ राउंड करवाना। और अभी जी फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले आए हुए थे, होराइजन फार्मा वाले आए हुए थे शायद अपनी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए, उन्होंने उनकी प्रेजेंटेशन अटेंड की, उन्होंने हमें अपनी मेडिसिन के बारे में सारा ओवरव्यू दिया। और उसके बाद उन्होंने हम सबको चंकन चीज़ का पिज्ज़ा खिलाया। इतना ठूस ठूस के खाती है, फिर कहती मेरा वेट बढ़ गया। आप आ गई है इसलिए कैमरे में, तूने मेरी सारी असलियत दिखा दी मैं सारे। अब हम फिर से जाएंगे जहीद फातिमा के पास। मेरे राउंड जो खत्म हो गए हैं और अंकल ने आना 2 बजे और अभी हुए 1:15। तो जहीद कह के गई थी मेरे पास आ जाना, मेरे पास आ जाना, मैंने कहा हो ही आती। तुमने बुलाया मैं चली आई। अच्छा कौशिक की हेल्प कर रही थी स्वीत पापा। कौशिक की कौशिक मार लाए बच्चों को। काशी मेरे में नहीं आता, ठीक है? जब आता है मेरी भी इतनी पीसफुल होती है जिसकी मजाल ही है कोई ऐसे ऐसा आ जाए, ठीक है? काशी की मेरे में आओ सैंपल सैंपल बेचारे बच्चों की मदद कर रहा है वो। अच्छा मैं बासु नहीं चाहे तो मेरे लड़के आई थी ना, किसी के आगे तो नहीं लेकिन मैंने काशी को बता दिया था, काशी तुम्हारे नाश्ता दिश पर कर लिया। इतना अप्रिशिएट कर रहे थे तुमने, बहुत अच्छा किया फीड्स लेके। फीड्स की आपको तो छुट्टी नहीं हो गई थी? कहते हैं मुझे सीट आती है जहीद की मलकियत बच्चा मॉड। अच्छा हमारे पास एक नया मरीज है जी, बताए क्या मसला है आपका? वाजी गुद्दे जीवन भी काफी कर रहा।
यार मजा तब आता है जब सारे जानने वाले एक साथ होते हैं, मजा नहीं आता है इसको तो एम2 को फोबिया हुआ है। आज तो मैंने जाके M2 में इतना रोना रोया, मैं बैठा कहती है लगता है आपका दिल्ली लग रहा है, मेरे को मेरा मल्ला की कसम नहीं लग रहा मेरा, मैं चुप रह रहा के थक जाती हूँ, मेरा मुंह दुखना शुरू हो जाता है चुप रह। तुम्हारा हरिया तुम दीवारों से बातें शुरू कर दिया करो, ये कार्टून्स बने हुए हैं, इन करीबी लोग मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे कार्टून, फिर तुम इनके नाम रख देना। हाँ, एक का नाम ईश्वर रखूंगी, एक का नाम अनुपम। ये देखो इसको देखो घर से फोन आ रहा है, इसकी वाइफ की कॉल, हिज वाइफ इज कॉलिंग। ये मैं सुजीत के घर आई थी, उसी ने मुझे चाय पिलाई, अब जीत फातिमा को लेने आ गया, मैं उठा के उसके घर बैठी रहूंगी, नहीं जाऊंगी, 15 मिनट तक आएंगे, मैं इसको केला छोड़ के तो नहीं जा सकती। गुड, ये तो मुझे केला छोड़ के नहीं जाएगी, अलबत्ता काशिफ चला गया, वो कहाँ गया वो मुझे पता। ओके भाई काशिफ, प्रोटोकॉल डाल लेंगे, प्रोटोकॉल मेडिकल ईआर में। तुम्हारे पास लाइट्स नहीं, माय आई इज लुकिंग बेटर इन योर कैमरा। यार हुई भी है थोड़ी सी, आप लोगों को पता है इसकी बेचारी की आंखें खराब हुई, आंखें इसकी पहले भी खराब थी, इसने ठीक कराई, ठीक है, फिर उसके बाद इसने फिर पंगे लिए, फिर लेंसेज यूज किए, फिर लेंसेज यूज किए, फिर खराब करा ली। नो वायरस केराटाइटिस हुआ हुआ था मुझे, क्या वो लेंसेज से होता है? अब उनको मतलब भी बताओ। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा पेशेंट है? हाँ जी, तो आज हमारी हुई प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको दिखा दी है वीडियो में, फार्मा वालों ने प्रेजेंटेशन करवाई थी, करवाते रहते हैं और उसके बाद फिर मेरे रिफ्रेशमेंट दे के जाते हैं, तो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन, मेरी प्रेजेंटेशन थी, जुहीद तो इधर है और अभी मुझे आ गया लेने, जुहीद को भी आ गया लेने, हम लोग जाएंगे अब घर। इतना सा था आज का हमारा व्लॉग, और व्लॉग अब जारी रहेंगे क्योंकि अब जुहीद का घर बदल गया, यानी कि जुहीद का वार्ड बदल गया है, तो हम जुहीद से मिलने आते रहेंगे, उसे व्लॉग में लाते रहेंगे, आप लोग ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, बोलो सब्सक्राइब कर आते रहेगा, मैंने नहीं कहना सब्सक्राइब, दुआ करें मेरा वेट गेन हो गया, थोड़ा पतला हो गया, आप लोगों ने दुआ करनी है इसका वेट और गेन हो जाए, अल्लाह ना और सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है जी, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय।